वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो हमें यहाँ पर सोलो सिकोवा और एलए नाइट का मैच देखने को मिला, इस बारे में, और डिस्कस करेंगे रोमन रेंस ने जो अटैक किया एलए नाइट के ऊपर, इसके बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। तो भाई, रोमन रेंस एलए नाइट ये मैच ऑफिशियली कंफर्म होते हुए दिखाई दे चुका है, जो कि हमें देखने को मिलेगा WWE के क्राउन ज्वेल के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली वहां पर ये मैच देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। वेल, इसके पहले हमें यहाँ पर सोलो सिकोवा और मैच यहाँ पर देखने को मिलता है एलए नाइट का। तो इस मैच के अंदर जिमी उसो का डिस्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। वेल, जिमी उसो को उतना कुछ कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना आ जाते हैं। जॉन सीना यहाँ पर अटैक कर देते हैं जिमी उसो के ऊपर। देन इसके बाद यहाँ पर जो कि एलए नाइट पिन कर देते हैं सोलो सिकोवा को और हरा देते हैं। सोलो सिकोवा यहाँ पर हारते हुए दिखाई देते हैं इस मैच को। देन इसके बाद असली बवाल हमें तब देखने को मिलता है जहाँ पे यहाँ पर जो कि एलए नाइट सेलिब्रेशन कर रहे थे अपनी विक्ट्री का, तभी यहाँ पर पीछे से देखने को मिलते हैं रोमन रेंस, और रोमन रेंस लगा देते हैं काफ़ी खतरनाक वाला इम्पैक्टफुल स्पीयर, जिसके बाद यहाँ पर एलए नाइट भाई नीचे रिंग में पड़े ही रह जाते हैं, उठते भी नहीं। एंड यहाँ पर रोमन रेंस अपनी टाइटल के साथ में उनके अगल बगल घूमते हुए दिखाई देते हैं और एक तरीके से उनके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं उनके ऊपर। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भाई। रोमन रेंस यहाँ पर उनका डोमिनेंस देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा बड़े वे में कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए। रोमन रेंस यहाँ पर स्पीयर मारते हुए दिखाई देते हैं एलए नाइट को। मज़ा यहाँ पर चखा दिया कि कैसे चैंपियन का स्पीयर होता है। वैसे देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है आने वाले समय में। तो ये कुछ स्मैकडाउन का मेन इवेंट था। आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट में बता देना। मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको बुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।